नमस्कार, नागपुर से मैं अब्दुल शेख और अभी हम खड़े हैं नागपुर के संविधान चौक पे। यहाँ पर जो कांग्रेस की तरफ से जनव्यापी आंदोलन किया गया था महंगाई के खिलाफ में, तो यहाँ पर सबसे पहले तमाम नेताओं ने बाबा साहेब के प्रतिमा के ऊपर हार चढ़ाया है और उसके बाद में अपने कार्यक्रम को शुरू किया है। देखिए, अभी हम संविधान चौक पे खड़े हैं और यहाँ पर एक जन आक्रोश जो यहाँ पर इनकी जो सभा की गई, कांग्रेस का राज्यव्यापी जन आंदोलन जो किया गया है, तो हम जानते हैं कुछ कार्यकर्ताओं से उनकी राय लेना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम क्यों किया गया है। मेरा नाम सचिन धवान है। आप सर, यहाँ पर कांग्रेस के आंदोलन में कैसा, आपको तो बीजेपी के कई कार्यक्रम में देखा, आपने कई कार्यक्रम भी किए, धरना प्रदर्शन भी किए बीजेपी के साथ में, आप अचानक कांग्रेस में कैसा कि आप कांग्रेस का समर्थन देने आए क्या? जी, मैं बीजेपी की, मुझे राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं आई है। बीजेपी का एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। आज तक बीजेपी ने अपना ही विकास करी हुई है। आप जैसे कि जानते हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई, आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है ये कोरोना काल में। खाने के तेल, शक्कर, गेहूँ, चावल, ये सब महंगे हुए हैं। सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, ये सब महंगे हुए हैं। ये सब चीज़ें को देखते हुए मैं कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया हूँ और मैं अब माननीय डॉक्टर नितिन राउत के मार्गदर्शन में काम करना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप, ये महंगाई इतनी बड़ी है, आपने महंगाई के विरोध में समर्थन भी दिया है और कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन की है, माननीय जो यहाँ के पालक मंत्री जी है उनके मार्गदर्शन में रहकर आप आगे उनके साथ में मिलकर काम करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपण 100 पार करून दिलेला पेट्रोल दिसता, त्याच्या मागचं कारण काय? त्या देशाच्या लोकांना आर्थिक कमजोर करण्याचं काम